बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वाला लर्निंग। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इंडो एक्सचेंज में आप लोग किस तरह USDT या डॉलर्स वगैरह डिपॉज़िट किस तरह कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी क्योंकि पहले इसमें परफेक्ट मनी के थ्रू डिपॉज़िट किया जाता था, लेकिन अभी जो है काफ़ी देर से उन्होंने डिसेबल किया हुआ है परफेक्ट मनी को। ना आप उससे डिपॉज़िट कर सकते हैं, ना विड्रा कर सकते हैं। तो स्पेशली मेरी ये वीडियो परपाल के यूज़र्स हैं काफ़ी, जो लोग इस जिन्होंने ये वीडियो जो है रिक्वेस्ट की है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया चलूँ कि अगर आप लोग नक्जाल बाय करना चाहते हैं या कोई भी करेंसी बाय करना चाहते हैं और आप लोगों के पास USDT नहीं है या डॉलर्स नहीं है इसके अंदर, और वो डिपॉज़िट करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप लोग मेरी आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो इंडो एक्सचेंज से रिलेटेड नहीं देखी तो वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, सिंपली यहाँ पर नक्जाल ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड तीन वीडियोस बनाई हुई हैं। एक तो है कि आप लोग बाय सेल नक्जाल किस तरह करेंगे, ठीक है, पार्ट टू में बताया हुआ है डिपॉज़िट और विड्रा जो है वो आप लोग किस तरह करेंगे। इसमें मैंने डिपॉज़िट करके दिखाया था परफेक्ट मनी के थ्रू, क्योंकि उस वक्त इनेबल था परफेक्ट मनी के थ्रू, आप लोग इजीली डिपॉज़िट कर सकते थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जो है इन्होंने डिसेबल कर दिया। और ये वीडियो काफ़ी पुरानी है, ठीक है। और थर्ड पे मैंने थर्ड पार्ट में ये भी बताया हुआ है कि आप लोग ट्रेड किस तरह कर सकते हैं नक्जाल्ट और USDT को, ठीक है। ये तीन वीडियोज़ हैं जो आप लोग इंडो एक्सचेंज रिलेटेड जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी वीडियो नहीं मिलेगी, मैं आप लोगों को लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके जो है ये पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, बात जो है वो सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग जो हैं वो उनको दिक्कत वगैरह पेश आती है। यहाँ पर मैंने अपना इंडो एक्सचेंज का अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैंने चले जाना है बाय बैलेंसेस में। अच्छा, एक और बात मैं बताता चलूँ कि इसमें इंडो एक्सचेंज में वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वेरीफाइड करवाना पड़ता था, मैंने वेरीफाइड करवाया था, और अब जो है इसको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी तरह यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर मैं बैलेंसेस में चला गया हूँ। यहाँ पर बैलेंसेस में जाने के बाद यहाँ पर मैं USDT को कर लूँगा। आप लोग किसी और करेंसी में डिपॉज़िट करना चाहते हैं, आप लोग जो है इसको अपना BTC में भी कर सकते हैं, इथेरिया में भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी जो है वो महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग जो है USDT में डिपॉज़िट करें। अच्छा, यहाँ पर जो है आप लोगों के पास USDT आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जो है डिपॉज़िट का भी आ रहा है, विड्रा का भी आ रहा है, और ट्रेड का भी आ रहा है, ठीक है। आपने करना क्या है अगर डिपॉज़िट करने हैं तो? अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ का ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर लिखा हुआ मिनिमम डिपॉज़िट जो है वो $10 है। अगर आप $10 से कम डिपॉज़िट करेंगे तो आपका डिपॉज़िट जो है, मतलब $5 करते हैं, $9 करते हैं, तो आपका डिपॉज़िट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। विड्रा फीस जो है इसमें 29 USDT है, मिनिमम विड्रा जो है आप लोग इसमें 40 कर सकते हैं। विड्रा फीस का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कम फीस पे किस तरह विड्रा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग इस पर डिपॉज़िट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीन नेटवर्क आ जाते हैं, ज़्यादा नेटवर्क जो है ट्रॉन नेटवर्क चलता है, जिसको हम TRC20 कहते हैं। यहाँ पर सिंपली TRC20 पर क्लिक करूँगा, उसके बाद आप लोगों ने जनरेट एड्रेस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप TRC20 के ज़रिए डिपॉज़िट करते हैं तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया अलग से है कि मिनिमम एक USD होना चाहिए, ठीक है। डिपॉज़िट डेट लेस देन मिनिमम डिपॉज़िट अगर $1 से कम करेंगे तो आपका डिपॉज़िट जो है वो ज़ाया हो जाएगा। और ये ट्रॉन नेटवर्क पे TRC20 ही भेजने हैं आपने, ठीक है। ये आके आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ये एड्रेस है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये एड्रेस करके कॉपी करके आप किसी और को दे सकते हैं कि मुझे भाई TRC20 जो है वो दे दो, उसके हिसाब से आप जितने भी जिस रेट पे भी आपकी डील होती है आप उस हिसाब से उससे डील कर सकते हैं। अगर आप मेरे से USDT लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट करके USDT ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आप लोगों को सिंपल तरीका बताऊं कि किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से
डील करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाइनेंस पे जाएं, बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो बेहतर है बाइनेंस पे अकाउंट बना लें अपना, क्योंकि बाइनेंस पे अकाउंट बनाने की मेन वजह ये है कि आप लोग इजीली इधर से जो है अपना यूएसडीटी जो है उधर कन्वर्ट कर सकते हैं बगैर किसी फीस के, ठीक है। और विड्रा भी इजीली आप लोग बाइनेंस के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल तो मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सा और भी दिखा देता हूँ। ट्रेड में जाएंगे, पी टू पी में जाता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि हम लोग इजीली यहाँ पर जो है पी के आर में, आप लोग बेशक जैज़ कैश में चाहें, इजी पैसा में चाहें, बड़ी आसानी से जो है आप लोग इधर से यूएसडीटी परचेज़ भी कर सकते हैं और यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख लें सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर स्कैम का कोई चक्कर नहीं है। मैंने खुद बहुत सारे यूएसडीटी जो हैं परचेज़ किए हैं, बहुत सारे कम, बहुत सारे से मुराद है कि बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो है बैंक ट्रांसफ़र, यू पैसा, इजी पैसा, जैज़ कैश भी है, सब जो पेमेंट मेथड्स हैं वो अवेलेबल हैं। आप लोग यहाँ से जो है इजीली अपना जो है इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ट्रांसफ़र कैसे करने हैं, यहाँ पर जो है मैं सिंपली इधर विड्रा पे जाऊँगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर बाइनेंस का हमने अकाउंट बनाया हुआ है। अच्छा, इसके आप लोगों ने पी टू पी से यूएसडीटी बाय सेल किस तरह करने हैं उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर भी मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई हुई हैं तफसीलन, आप लोग वो भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप लोग व्हाट्सएप पे डील करते हैं या फेसबुक पे डील करते हैं किसी के साथ, तो आपका स्कैम होने का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा, अगर आप लोग किसी और से डील करते हैं तो आपको रेट जो है ज़ाहरी सी बात है वो आपको थोड़ा सा हाई मिलेगा, ठीक है। और पी टू पी पे लेते हैं तो आपको रेट जो है वो भी मुनासिब मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पर यूएसडीटी यहाँ पर हमारे पास आ गया, इसको सिंपली मैं जो है विड्रा करूँगा। विड्रा करने के लिए हम लोगों ने अपना एड्रेस जो है मैंने टीआरसी का कॉपी किया हुआ, यहाँ पर आप लोग एड्रेस लिख देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है उसने ऑप्शन दे दिया है, नेटवर्क ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ट्रॉन का नेटवर्क है, TRC-20 है। यहाँ पर मिनिमम जो है हम लोग इसका $10 विड्रा कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है मैं $10 लिखूँगा। और उसके बाद जो है इसको मैं दोबारा एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने एड्रेस लिख देना है, यहाँ पर मिनिमम इसका विड्रा जो है 10 है, आप लोगों ने $1 ज़ायद लिख देना है। विड्रा करेंगे और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ सिक्योरिटी कोड्स वगैरह मांगे जाएंगे, वो अपने कोड एंटर करके ओके कर देंगे और 2 से 4 मिनट में आपको USDT आपको के इंडो एक्सचेंज अकाउंट में जो है वो रिसीव हो जाएंगे, और आपको इंडो एक्सचेंज के थ्रू जो है ईमेल भी रिसीव हो जाएगी। इसी तरह आप लोगों ने जब विड्रा करना है, विड्रा करने के लिए भी यहाँ पर सिंपली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। विड्रा पे जाएंगे आप लोग, यहाँ पर आप लोगों ने अपना इधर डिपॉजिट पे चले जाना है। यहाँ पर अगर आप लोगों ने बाइनेंस के थ्रू करना है, क्योंकि मैं बाइनेंस इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आप लोग इजीली जो है बगैर किसी के पास जाए बगैर जो है आप लोग इधर से विड्रा और डिपॉजिट वगैरह कर सकते हैं घर बैठे। इजी पैसा हो या जैज़ कैश हो, कोई भी हो, आप लोग इजीली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इसको इधर डिपॉजिट करता हूँ। डिपॉजिट करने के बाद हमसे कॉइन पूछ रहा है और यहाँ पर USDT थेटर US करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, नेटवर्क जो है एक बहुत अहम चीज़ है, आप लोगों ने हमेशा ट्रॉन नेटवर्क में करना है। अगर आप दूसरे किसी नेटवर्क में करेंगे आप लोगों को फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों ने एड्रेस कॉपी कर लेना, यहाँ पर मैं ट्रॉन नेटवर्क सेलेक्ट करूँगा इधर, सॉरी, यहाँ पर मैंने अमाउंट लिखनी है, अमाउंट जितनी भी होगी, रिसीविंग एड्रेस लिखना है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि ये लोग जो है इंडो एक्सचेंज से अगर आप लोग विड्रा लेंगे तो $2 आप लोगों को विड्रा की फ़ीस लगेगी, ठीक है। ओके करने के बाद आपके ईमेल पे एक कंफर्मेशन मेल आएगी, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक सीक्रेट कोड और गूगल ऑथेंटिकेटर कोड जो है वो डालने को बोला जाएगा, आप लोगों ने डाल के ओके कर देना है, और तकरीबन 30 से 45 मिनट्स आप लोगों का विड्रा जो है वो बाइनेंस में हो जाएगा। यहाँ बाइनेंस में होने के बाद आप लोग इसको आराम से सेल कर सकते हैं। मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह आप लोगों ने बाइनेंस पे अपना बाय सेल करना है, बाय सेल करके अपना पेमेंट जो है आप लोग जैज़ कैश, इजी पैसा बैंक अकाउंट में
ले सकते हैं। उसकी सब वीडियोस के लिंक जो हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और सबसे आसान हल ये है, अगर आप लोग जो है ये भी नहीं करना चाहते तो आप लोग मेरे थ्रू जो है USDT बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मैं दोनों काम करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सहूलत भी मिल जाए और आप लोग स्कैम होने से भी बचें। तो ये इस वीडियो के लिए काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी ताकि जो है लोगों को आसानी हो, लोग स्कैम से बच सकें। बाकी जिन लोगों को जो है मेरी वीडियोस से तकलीफ़ होती है कि भाई ये चीज़ें तो सबको पता हैं और ये आप बता के जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं काइंडली मेरे वीडियोस और मेरे चैनल से परहेज़ किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।